करना चाहता हूं और मुझे लगता है कि उसी बात में ये सारे मुद्दे समेटे हुए। उन्होंने लिखा है, जब हौसला बना लिया है लिंचिस्तान का, जब हौसला बना लिया है लिंचिस्तान का, तो सोचना फिजूल है इंसानों की जान का। तो मुझे लगता है दो बातें बहुत महत्वपूर्ण आई है कि मीडिया पे नहीं बोलना चाहिए। जब बड़े साहब इन मीडिया को बचा रहे हैं, इसका मतलब दाल में कुछ काला ही नहीं, दाल पूरी काली है और मीडिया किसके हाथ में बिकी हुई है ये हम सब जानते हैं, उसमें कहने की जरूरत नहीं। हमारी ताकत, यहाँ 10 जो मोबाइल फोन है जो रिकॉर्ड आप कर रहे हैं, यही हमारी ताकत है और इसी से हम लोग अपनी बात रख लेते हैं। आप सबका शुक्रिया। एक दो बात और कहना चाहूंगा कि अगर झारखंड में मॉब लिंचिंग हुई है, मॉब लिंचिंग भी नहीं बोलेंगे उसको, वो भी उठा मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि एक व्यक्ति को अगर 10 लोग घेर के मारे तो कायर लोग का काम है, बहादुर लोगों का काम नहीं। और जिस विचारधारा के तरह इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है, उस विचारधारा के मूल में ही यही बात है कि जब राज सत्ता रहे तो उसकी गुलामी कर लो, चाहे मुगल रहे, चाहे लोधी वंश रहे, चाहे कोई भी रहे, चाहे हुन रहे, कुषाण रहे, सबकी गुलामी कर लो। और जब अपनी बारी आए तो एक आदमी को छुप के 10 लोग पकड़ के उसको मारो, तो कायर लोग हैं, बहादुर लोग आमना सामना करते हैं, रण क्षेत्र में आमने सामने जाते हैं। तो इसको समझिए, इनसे डरते उड़ते हम लोग नहीं। यही अगर करना है तो एक एक आदमी टाइम दीजिए, घंटा बताइए और एक एक आदमी आमने सामने आप बुला लीजिए, हम भी भेज देते हैं और आप भी भेज दीजिएगा, देखते हैं कैसे लिंचिंग होती है। ये ना बात हुई, ये तो कायर डरपोक लोग हैं जो मुखौटा लगाते, बोलते कुछ और है, करते कुछ और। तो क्या तबरेज झारखंड का नहीं था? जब कह रहे हैं हमारे ट्वीट पे साहब कि झारखंड का अपमान हो रहा है, तो इस देश में माताओं और बहनों का अपमान अगर हो, बलात्कार हो, तो बोलना वो क्या भारत माँ का अपमान है कि खाली भारत माँ के नारों से बाहर आइए साहेब? असल माताएं बहनें कष्ट में हैं, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, ये है असली भारत माता। और जो ज्यादा गांव में जो हम लोग देखते थे कि चोर एक जो है पकड़ा गया तो गांव वाले उसको दौड़ाना शुरू करते थे, चोर चोर चोर, तो चोर समझता था कि अगर मैं नहीं बोला चोर चोर तो लोग मुझे पकड़ लेंगे, तो वो भी कहता था आगे चोर चोर चोर, और इस तरह वो भी भागता जाता था, निकल जाता। तो ज्यादा भारत माता जो चिल्लाए उसको एक बार उसका चादर उठाकर देख लीजिएगा, जो ज्यादा आपसे ज्यादा देशभक्त हम हैं, हम तिरंगा में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम भगवा झंडा में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं। आप देशभक्ति का सर्टिफिकेट मत बांधिए, आपके पुरखों का और आपके संगठन का इतिहास हम जानते हैं। इतिहास का छात्र हूं, इतिहास का प्रोफेसर हूं ना, तो कहेंगे तो पन्ना पन्ना आमने सामने बैठ के आपको पढ़ा दूंगा। अगर देश में गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, बलात्कार है, हत्याएं हैं, मॉब लिंचिंग है, सब कुछ है, तो इस समस्याओं को उठाना ये भारत माँ का अपमान नहीं है, बल्कि भारत माता को बचाने का असली काम हम लोग कर रहे हैं। ये भारत, ये देश, ये खाली मानचित्र नहीं होता, लोगों से बनते हैं। अगर लोग में पीड़ा है, वेदना है, हत्या है, उस पर बोलना अगर आपको लगता है कि देश का अपमान हो रहा है, तो मुझे लगता है ये बात कह के आप इस देश के करोड़ों मजदूर नौजवान महिलाओं का आप अपमान कर रहे हैं, भारत माता का अपमान आप कर रहे हैं। तो इसलिए विस्तार से जाने की जरूरत नहीं। एक दो बात और कह के मैं आप सबको शुक्रिया कहता हूं कि भाई हमारे यहां हमारे समाज की दिक्कत क्या है, हमारे यहां वक्ता बहुत ज्यादा है, श्रोता बहुत कम है, नेता बहुत ज्यादा है और फॉलोअर बहुत कम है। समस्या की जड़ अनिल जी यहाँ पर कि आते हैं लोग, बोलेंगे और समझेंगे कि मेरा काम मैंने कह दिया, देश सुन लिया, बस बात खत्म। मैं हम लोग जैसे लोग
दरी भी बिछाते हैं, घंटों बैठते भी, दिन भर बैठते हैं, जेब से पैसे खर्च करते हैं। और आपको मैंने यहाँ आपने देखा हुआ, कोई मैंने बक्सा नहीं रखा है। दो चार साथी मिलके हम लोग कार्यक्रम अपना चलाते रहते हैं, जितना संसाधन। तो हमारे लोग कहते हैं समाज का काम करना, समाज का काम करना है। अरे मुझे पता ही नहीं लगा कि समाज का काम करना होता क्या है, वो पता ही नहीं उसको समाज का काम करना क्या है। समाज का काम करना क्या होता है, मैंने कल लिखा है कि मैं तो समाज का काम नहीं करता, मैं अपना काम करता हूं। तो अपना काम क्या है, अपना काम यही है, देख लीजिए ये मेरा काम। आप समाज का नाम कहते हैं कि समाज का काम करने जा रहे हैं, और बहुत लोग समाज का काम करते करते अपना काम कर लेते हैं। समझ गए बात, ये समाज का कहते हैं कि समाज का काम कर रहे हैं, और समाज का काम करते करते अपना काम करते हैं। तो हमने कहा कि मैं कोई समाज का काम नहीं करता, मैं अपना काम करता हूं, मैं उस सेल्फिश आदमी हूं। हमारा काम क्या है, लिखना बोलना, ये कार्यक्रम सरकार के खिलाफ अगर गलती करते हो आवाज उठाना। आपको अच्छा लगे तो सुनिए, नहीं अच्छा लगे मत सुनिए। पर लगता है कि पढ़ना है पढ़िए, नहीं अच्छा लगता है मत पढ़िए। मैंने कोई फोर्स आपको नहीं किया, न चंदे लिए। कि जो बाबा साहब ने कहा था पे बैक टू दी सोसाइटी करना, तो मैं आपके जितना बहुत सारे हमारे लोग न बाबा साहब पढ़े हैं, न इतिहास पढ़ते हैं, न जानते हैं, लेकिन बाबा साहब का सर्टिफिकेट बांटते रहते कि कौन कितना अम्बेडकर आएगा। अरे भाई साहब मैं नहीं हूं, मैंने कभी नहीं कहा कि अम्बेडकर वादी, क्योंकि उसको पूरा पढ़ूंगा समझूंगा तब ना। जितना पढ़ता हूं समझता हूं, आपसे साझा करता हूं, बातचीत करता हूं, आपके कोई बाध्यता नहीं है। तो उन्होंने जो कहा था पे बैक टू सोसाइटी, अपने तनख्वाह का 20वां हिस्सा खर्च करना, मतलब 5% उससे ज्यादा हम लोग खर्च कर रहे हैं। जो समाज को जागरूक करना है जितना समझ में आता है कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं समाज में काम करना, उनके लिए संदेश है कि समाज में काम करने का मतलब है कि अपने घर में अगल बगल में वैज्ञानिक सोच का प्रचार करना। एक दिन में ना हमारा घर बदलेगा न आपका घर बदलेगा, अनिल जी ने ठीक किया कहा कि धीरे धीरे समाज, ये 2500 साल से ये लड़ाई चल रही, कैसे अपने दादाजी को कैसे एक दिन में बदल दीजिए, आप मुझे बताइए। तो हमारे कुछ लंपट क्रांतिकारी लोग, लंपट उनको मैं कहता हूं, अब यहां कई तरह हमारे साथी, अब क्या कहें, उनका कुछ समझ में नहीं आता है। अरे नाम भी जो तुम रखे हो, जो भाषा का इस्तेमाल करते हो, वो भी तुम्हारा नहीं है, वो भी तो ब्राह्मण का बनाया हुआ है, नागरिक प्रचारणी सभा से बन के आया है। तो भाषा छोड़ दो, नाम तो संस्कृति के ताने बाने वो बहुत महीन होते हैं, बारीक होते हैं, उसको तोड़ने में वक्त लगता है, उसको बहुत सारे, आपने अपनी फेस्टिवल नहीं बनाई है, कौन से फेस्टिवल बनाई, भाषा नहीं बनाई है। तो एक दिन में गाली गलौज झगड़ा लड़ाई सब मत कीजिए, 51% सहमति हो तो उस पे काम कीजिए, 49% सहमति हो, असहमति हो तो भी कोई बात नहीं। हमारे लोग, संदेश देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से शंभू जी, 98% सहमति हो जाए, और 2% अगर असहमति हो तो आपस में एक दूसरे को झगड़ा कर लेंगे, एक दूसरे से सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं, और कहते हैं समाज का काम कर रहे हैं। कौन सा समाज का काम कर रहे हैं? फिर दूसरी बात, संविधान को बचाना है, संविधान के किस बात को बचाना है, पहले ये तो सोच लो। जिसको देखो बाबा साहब का मिशन बढ़ा रहे हैं, संविधान को बचाना है। रे जो आप जो काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम जो है आपके शत्रु का एजेंडा, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है, ये कहां रचा गया था? ये वहां नहीं रचा गया था, वो कहीं और रचा गया था। किसको फैलाओ, ये गैर जाटव बोल के सारा वोट इधर से उधर उड़ा देना है, ये आप उड़ा रहे थे उसको। तो जो लोग कह रहे हैं बाबा साहब का किताब बचाना है, संविधान बचाना है, तो बाबा साहब को पढ़ो नहीं, पूजो, भक्ति करो, भजन आप कर भी रहे। मैं बाबा साहब को बाबा बाबा दिन भर नहीं करता, मैं डॉक्टर अंबेडकर लिखता हूं। क्यों कह रहे हैं कि बाबा जी की भक्ति करो, पूजा करो, उसको पढ़ना नहीं उनको। तो संविधान बचाना है, लेकिन संविधान में क्या बचाना है, क्या लिखा हुआ है? और बाबा साहब इस संविधान के बारे में क्या लिखे थे जब संविधान सौंप रहे थे इस देश को 25 नवंबर 1949 को? मैं रेफरेंस दे देता हूं, कम से कम वो तो पढ़ लो 8 पेज। वो सामाजिक न्याय संदेश जो कि भारत सरकार छापती है, उसी के नवंबर 2015 के अंक में
14 पेज से लेके 20 पेज तक वो छपा हुआ है, कम से कम 8 पेज तो पढ़ लो। तो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन संविधान को बचाना है। तो ये जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, और आप गाहे बिगाहे एकदम बाबा जी भक्ति करने के लिए नहीं बोले थे, बोले थे कि इस लोकशाही में व्यक्ति पूजा तानाशाही की ओर ले जाने वाला मार्ग होता है, ये बोले थे डॉक्टर अम्बेडकर। आप व्यक्ति पूजा क्यों कर रहे हैं? बोले थे ये बात कि आने वाली राज्य संविधान कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, उसको लागू करने वाले लोगों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि संविधान कैसा हो, कि आने वाले समय की राजनीतिक दल कैसा व्यवहार करेंगे, हम क्या कह सकते हैं। आज बताइए, जो बाबा साहब के नाम पर और जो लोहिया साहब के नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, क्या उन्होंने पढ़ा है लोहिया साहब को और बाबा साहब को? क्या उनके दल के अंदर लोकशाही है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज है? नहीं, हाई कमान कल्चर। बाबा साहब ने तो उसके खिलाफ लिखा है पूरा, हाई कमान कल्चर। तो ये बात समझना है, बाबा साहब की कौन सी बात को बढ़ाना है? तो नहीं पूछते हैं आप, 14 अप्रैल पूरा भजन आप करने लगते हैं, सारा कमिटी बैठ के वहां पे मेला लगाएंगे, उसमें आपके शत्रु भी आते हैं, माला चलाते हैं, उसके साथ आप फोटो खिंचवाते हैं। तो इसको त्योहार मत बनाइए, पूजा मत बनाइए। कॉन्स्टिट्यूशन कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बदलाव संभव है, लेकिन किस तरह के बदलाव संभव है इसकी समीक्षा और चर्चा हम भी करेंगे। हम भी यह देखना चाहेंगे कि जो संविधान की प्रस्तावना है, समीक्षा के लिए हम भी तैयार। आइए करते हैं चर्चा समीक्षा पे। लोग यथास्थिति नहीं, कुछ नहीं बन, नहीं, हम चाहते हैं कि समीक्षा हो। जो लोग बदलाव की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि बदलाव हो, लेकिन किस बात का बदलाव? हम तो पहला ही पन्ना खोलेंगे, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, बस इतना ही चार ही बात है। अगर नहीं लागू हुआ इस देश में 70 साल के बाद नहीं लागू हुआ, तो इसका मतलब आज देश का हुक्मरान का मतलब सिर्फ एमपी और मिनिस्टर और पार्लियामेंट नहीं होता, संस्थाएं होती है, न्यायपालिका होती है, व्यवस्थापिका होती है, विश्वविद्यालय होते हैं, मीडिया घराने होते हैं, उद्योगपति होते हैं, सब। उनसे सवाल पूछा जाएगा कि नहीं लागू हुआ तो ये जिम्मेदारी किसकी है? हम लागू करना चाहते हैं, हम संविधान बदल के ये इंश्योर करना चाहते हैं कि इस देश में जो है कल से ही समता, बंधुता, न्याय और स्वतंत्रता आए लागू। कौन डरता है समीक्षा से? हम नहीं डरते। इसलिए जो लोग ऐसी बात करते हैं, आपको उसका उत्तर देना आना चाहिए। ये किसने संविधान को फेल कराया, उस पर चर्चा कीजिए। हम चाहते हैं बहस। तो नहीं नहीं बदलना नहीं बाबा साहब का संविधान। अरे आपको ये पता ही नहीं है कि 296 लोग वहां बैठे हुए थे, और वो कोई पॉपुलर वोट से चुन के नहीं आए थे, वो विपरीत विचारधाराओं के लोग थे, वो नवाब थे, जमींदार थे, राजे थे, महाराजे थे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, विभिन्न विचारधाराओं का टकराव था, कुछ लोग थे कि महिलाओं को अधिकार देना ही नहीं चाहते थे, कुछ लोग वोटिंग राइट नहीं देना चाहते थे, कुछ लोग वोट के लिए संपत्ति का अधिकार रखना चाहते थे। इन कॉन्ट्रडिक्शंस के बीच में, इन अंतर विरोधों के बीच में डॉक्टर अंबेडकर को जितना उस समय हो सकता था उन्होंने आपके लिए दिया, इन लिमिटेशंस के बावजूद। तो इसलिए बाबा साहब को भजिए नहीं, पढ़िए। उन्होंने जो दिया, अकेले जितना दिया, विपरीत, इसलिए माइनॉरिटी एंड स्टेट पढ़िए, डॉक्टर अंबेडकर के माइनॉरिटी एंड स्टेट पढ़िए। इन विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने जितना दिया, त्रासदी और शर्म की बात यह है कि हजारों नेता, हजारों ब्यूरोक्रेट, हजारों क्या बोलते हैं, सैकड़ों, हजारों एमएलएस हो के भी आप नहीं बचा पाए। ये है त्रासदी, इसलिए नहीं बचा पाए क्योंकि भज रहे थे सब लोग, पढ़ नहीं रहे थे। अगर पढ़ते तो सिर्फ चुनाव के दिन वोट मांगने नहीं जाते,
पांच साल अपने कार्यकर्ताओं को समाजवाद, अंबेडकरवाद, क्या वाद है उसको पॉलिटिकल ट्रेनिंग करते, तो जब आप पांच साल और ट्रेनिंग नहीं देंगे अपने कार्यकर्ताओं को, अपने अपने पदाधिकारियों को, तो जो पढ़ेगा नहीं, समझेगा ही नहीं, तो क्या करेगा? क्योंकि बड़े बड़े नेता भी दलाली करते हैं, तो वो लोग भी अपने काम में लग जाते हैं, क्या कहते हैं, किसको दोष दे? तो ये बात समझना है साथियों, बहुत गंभीर बातें हैं। और बाबा साहब ने ही, डॉक्टर अम्बेडकर ने ही समीक्षा का अधिकार हमें दिया है, तो खाली हम अपने राजनीतिक शत्रुओं की समीक्षा नहीं करेंगे, हम अपने कथित मित्रों की भी समीक्षा करेंगे कि आप पे भी सवाल उठाएंगे। और आज भी मैं जितने साथी यहाँ आए, आप सबका शुक्रिया, ये भी घटना नहीं संकेत है कि आप नहीं मान लीजिए कि समाज, ये लोकशाही में डॉक्टर अंबेडकर वोट का अधिकार दिए थे, बोले थे कि राजा जो है रानी के पेट से नहीं बैलेट बॉक्स से निकलेगा, तो जो जो लोग अपना उत्तराधिकारी नॉमिनेट कर रहे हैं, ये चेत जाए कि समाज अपना नेता 20 साल 30 साल लगता है, ये सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, 30 साल लगता है समाज अपना नेता तैयार कर लेता है। साथियों बहुत लंबा मैंने समय ले लिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।